चंबल को देखते हैं, चंबल 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 जना पाव हिल से शुरू होता है, जना पाव हिल से शुरू होकर के चंबल बहते बहते आता है यहाँ पे, इसका नाम है गांधी सागर। गांधी सागर को पार करते हुए इसका नाम है राणा प्रताप सागर। तो सबसे पहले जना पाव हिल से शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है, जना पाव हिल से, JANAPAW, जना पाव हिल से शुरू होता है, ये है गांधी सागर। क्या नाम है, गांधी सागर। उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद आगे जाता है कोटा के बगल से पार होता है चंबल, है ना। जाते जाते चंबल कहाँ चल जाता है, तो भिंड के आसपास जा कर के यमुना में मिल जाता है, आगरा से पहले, आगरा से नीचे ही, ईस्ट में ही, आगरा से ईस्ट में। इसमें तीन चार नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरी हैं चंबल की, एक का नाम है काली सिंध, एक का नाम क्या है, काली सिंध, एक का नाम है काली सिंध, ठीक है, चंबल में जाकर के मिल रही है। क्या नाम है, काली सिंध, ये काली नहीं है, सिर्फ काली पूछे तो कहीं और लगाना है ना, शारदा सरयू में लगाना है काली, ये काली सिंध है, ठीक है, तो इसका नाम है काली सिंध। नाव दूसरा, तो ये है चंबल नदी, कहाँ से शुरू हो रही है, जना पाव हिल से शुरू हो रही है, चंबल जा रही है, गांधी सागर में जा रही है। गांधी सागर कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। और एक का नाम है राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। जाते जाते चंबल यमुना में मिल रही है, हमने ये देखा। अब क्या देखना है, चंबल की कितने ट्रिब्यूटरीज हैं। तो चंबल की एक ट्रिब्यूटरी जो इंदौर से शुरू होती है उसका नाम है काली सिंध, कहाँ शुरू हो रही है, इंदौर से। काली सिंध कहाँ से है, इंदौर से। ये आकर कहाँ मिलती है, तो कोटा के बाद, है ना। उसके बाद दूसरा जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है पार्वती, और ये पार्वती भी कोटा के बाद आकर के मिलती है, दो नदियाँ एक साथ मिल रही हैं, ठीक है, यहीं पे सिपरा आकर के मिलती हैं। फिर ये है बनास, अरावली वाले रेंज से आकर के बनास चंबल को काली सिंध और पार्वती के बाद आकर के मिलती है, काली सिंध और पार्वती के बाद मिलती है, तो ये चंबल की होगी ट्रिब्यूटरी। अब आगरा दिख रहा है, आगरा, आगरा के बगल से आता है सिंध, ठीक है, पहले आता है चंबल फिर आता है सिंध। सिंध कहाँ से आता है, तो गुना से निकल करके आता है, गुना से निकल के आता है सिंध, और भोपाल के आसपास से निकल के आता है बेतवा, बेतवा है ना। तो ये हो गया चंबल, ये हो गया सिंध, ये हो गया बेतवा, और एक है केन। केन की दो ट्रिब्यूटरीज रहती हैं, दोनों एक साथ जुड़ करके बंदा के आसपास आकर के यमुना से मिल जाती है। तो यमुना में आके मिलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों मध्य प्रदेश से ओरिजिन है और आकर के मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, कहाँ, और ये इलाहाबाद में आकर के ये गंगा से मिल जाती है यमुना। तो यमुना आकर के इलाहाबाद में किसे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो बोलिए हरे कृष्णा। और ये हुआ चंबल का ट्रिब्यूटरी, और यमुना में आकर के मिल रही है, सब यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। और इसका नोट्स बना लें, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप इसको छाप लें, इसको ऐसे ही एज इट इज़ छाप लेना है, ठीक है। तो हरे कृष्णा, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, वीडियो को पूरा देखा करें, यही हिदायत है, पूरा देखना है, और अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि भाई मतलब भेज, शेयर करता हूँ तो ऐसे इतने 1 मिनट देख करके नहीं छोड़ने, टोटल 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट भी नहीं दे सकते, कितना व्यस्त हो, कलेक्टर बनने वाले हो क्या, कहीं प्रधानमंत्री बनने वाले, लक्षण तो ना लग रही है, 10 मिनट तुमसे बर्दाश्त ना हो रहा, पेशेंस नाम का चीज़ ना, बिनास बिनास दिख रही है, ठीक, थोड़ा पेशेंस डेवलप करो, पेशेंस, बिना पेशेंस के कुछ ना होता है, 4 बार 5 बार किताबों को रीड किया करो, है ना, एक बार में ही हड़बड़ाने लगते हो, ठीक है। बोले हरे कृष्णा, तो जोर से बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोलना है हरे कृष्णा, बगल वाले को पता चलना चाहिए कि कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। हाँ, वैसे आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 6 तारीख है, मतलब जन्माष्टमी का दिन, समझ में आ रहा है, तो थैंक यू सो मच।